चलिए तो जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। आप सभी विद्यार्थी से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे विद्यार्थी मस्त होंगे, मगन होंगे और जहां भी होंगे चलिए एकदम पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज आपसे कुछ खास बातचीत करने आए हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर स्क्वायर हमें याद करवा दीजिए सर। तो आप सभी के लिए मैथ को बेहतर बनाने के लिए, और आप सारे विद्यार्थी जानते हैं कि मैथ आपका बेहतर तबे होगा जब आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो कैलकुलेशन फास्ट तब होगा बाबू जब आपका क्या होगा, पहाड़ा याद रहेगा, आपको स्क्वायर याद रहेगा, आपको क्या याद रहेगा, वर्ग याद रहेगा, तबे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो आपको कैलकुलेशन बेहतर करने के लिए ज्यादा नहीं भाई, आप 30 तक स्क्वायर के रट जाओ, के तक 30 तक स्क्वायर के रट जाओ और 10 तक आप क्यूब के रट जाओ, ठीक है। और कम से कम तो आप पहाड़ा 30 तक याद कर लेना। एक दिन हम पहाड़ा का भी आपको हम इसी तरह से क्या करेंगे, लाकर वीडियो हम दे देंगे, आपका पहाड़ा भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको यह स्क्वायर याद करवाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी को मिनिमम कहें और तो मैक्सिमम कम से कम क्या, कम से कम तो आपका 15 तक आपका स्क्वायर याद होगा, बस 15 को आपको स्क्वायर याद करना होगा। देखिएगा एक का स्क्वायर कितना होगा, एक, दो का स्क्वायर कितना, चार, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25, छह का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81, दस का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, है ना, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। क्लियर है यहां तक तो? आप खैर सारे विद्यार्थियों को याद होगा, आपको याद करना है खाली ये लाइन वाला, ई लाइन वाला याद करेंगे। और जिस विद्यार्थी को ई लाइन वाला याद नहीं रहेगा उस, है ना, वो भी विद्यार्थी इस लाइन को, दोनों लाइन को याद कर लेंगे। बाकी इसको देखिएगा, इसको देखिए बड़ा खूबसूरत में लिखा हुआ है जी, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 413, है ना, 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। इतना आप लोगों को क्या करना है, हर हाल में आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए अब आपको क्यूब याद करवाते हैं। चलिए आइए क्यूब याद करवाते हैं। तो चलिए देखिएगा क्यूब कैसे याद करेंगे। एक का क्यू एक याद हो जाएगा, एक का क्यू एक, दो का क्यू आठ, तीन का क्यू 27, चार का क्यू 64, पांच का क्यू 125, छ का क्यू 216, सात का क्यू 343, आठ का क्यू 512, नौ का क्यू 729, दस का क्यू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो आप क्यू और स्क्वायर दोनों याद कर लेना है, दोनों याद कर लेना है ना। यहां रहते हैं तो आपको डंडा चलता, खैर है ना, खैर आप लोग दूर है इसलिए चलिएगा इधर। अब आप याद क्या करना है, अब आपको क्यूब रूट याद करना है। क्या याद करना है, क्यूब रूट याद करना है। तो एक का क्यूब रूट कितना होगा, एक, आठ का क्यूब रूट कितना, दो, देखिए तीन का क्यू सॉरी 27 का क्यूब रूट कितना, तीन, 64 का क्यूब रूट कितना, चार, इधर आइए इधर आइए इधर आइए, 125 का क्यूब रूट कितना, पांच, 216 का क्यूब रूट कितना, छ, 343 का क्यूब रूट कितना, सात, 512 का क्यूब रूट कितना होगा तो आप यहां पे याद कर लो आठ, 729 का क्यूब रूट कितना होगा तो आप यहां पे याद कर लो नौ, 1000 का क्यूब रूट कितना होगा, दस। ये चीजें आपको याद कर लेना है, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो मैं आप सारे विद्यार्थी से उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे विद्यार्थी को याद हो जाएगा। देखो फिर से चीजों को, आप कहीं भी जाओ अपने मोबाइल में इसका क्या कर लेना है, स्क्रीन शॉट कर लेना है, और स्क्रीन शॉट करने के बाद आप जहां भी रहो एक नजर इसको झांकते रहो, एक नजर क्या करना है आपको, चला झांकना है, बस आपको याद हो जाएगा। फिर यहां से आप इसको स्क्रीन शॉट ले लेंगे, इसको स्क्रीन शॉट ले लेंगे और इसको भी स्क्रीन शॉट लेके अपने मोबाइल में क्या करना है, एक नजर निहारते रहना है, आपको चीजें याद हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।